हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज मोमोज। ये रेसिपी सबको काफ़ी पसंद आती है, चाहे बच्चे या फिर बड़े। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बंदा गोभी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, एक गाजर ऐसे ग्रेट किए हुए, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक मिर्च बारीक कटी हुई। मैंने यहाँ पे लिया 1 कप मैदा। मैंने यहाँ बड़े कप से 1 कप मैदा लिया है। नमक स्वाद अनुसार, अजीनोमोटो एक पिंच, ये ऑप्शनल है। आप इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें इसका, वरना आप इसे छोड़ दें। अब लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे हम मैदा। अब डालेंगे थोड़ा सा हम नमक इसमें, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे इस मिक्स कर दिया है, तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है। हम इसमें देंगे अब पानी। हम थोड़ा सा पानी लेकर इसे मिक्स करेंगे। तो हमारा आटा रेडी है। मैंने यहाँ पे आधा कप पानी यूज किया है आटा को सानने में। हमें इसे रोटी इतना ही मुलायम आटा सानना है। हम इसे ढककर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक आटा आटा हमारी रेस्ट करती है, तब तक हम बना लेते हैं अपना स्टफिंग। तो मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे छोटा चम्मच से 1 चम्मच तेल डाला है। हम तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुकी है, हम डाल देंगे इसमें ये प्याज। इसे हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो चुका है, मैंने प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। हम डाल देंगे इसमें ये बंधा गोभी को, साथ में डाल देंगे हम गाजर, मिर्च। इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मैंने यहाँ पे इसे फ्राई इसलिए किया है क्योंकि बंधा गोभी में पानी होता है, तो फ्राई करने से इसका जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो इसे हम बस ऐसे ही हल्के हाथों से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसमें डालेंगे हम नमक। हम नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने आटा में भी नमक डाला था। अब डाल देंगे हम इसमें अजीनोमोटो, इसे हम मिक्स कर देंगे। हमें नमक सबसे आखिर में डालना है, अगर हम पहले नमक डाल देते तो नमक पानी छोड़ देता। हम स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। अब हम बनाएंगे मोमोज। तो इसके लिए हम लेंगे आटा। पहले इसके हम पेड़े बना लेंगे। हमें इसका पूरी से थोड़ा छोटा बनाना है, तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं। तो मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैदा ताकि ये हमारे बॉल्स हैं वो इसमें से चिपके नहीं। हम ले लेंगे थोड़ा सा मैदा, इसे ऐसे अप्लाई कर देंगे सरफेस पे। फिर हम लेंगे ये बॉल, इसमें भी थोड़ा सा मैदा हम लगाएंगे। इसका हम पतला पतला पूरी तरह इसे बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे मोमोज को फिल कर लिया है। अब हम लेंगे इडली स्टैंड। हम ये मोमोज आज इडली स्टैंड में बनाएंगे।
हम लेंगे थोड़ा सा तेल और पूरे प्लेट्स में तेल लगा देंगे। अब हम रख देंगे इस पे ये मोमोज। इसी तरह से हम सारे प्लेट्स में मोमोज को रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे मोमोज को रख दिया है, हम इसे लॉक कर देंगे। अब लेकिन हम कुकर इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। हम रख देंगे इस पे ये इडली स्टैंड। मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगने तक पकाएंगे। तो मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, हम 2 सीटी का वेट करेंगे। 2 सीटी लग चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, हम निकाल लेंगे इसमें से ये मोमोज को। अब देख सकते कितना स्टीम निकल रहा है इसमें। तो मैंने निकाल लिया है इसे, हमारी मोमोज अब रेडी है। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। हमारी मोमोज अब रेडी है।